नमस्कार, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे काली मिर्च की खेती के बारे में। आज के समय में काली मिर्च की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी खेती से आजकल किसानों को काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो रहा है। इसके प्रत्येक पौधे से आपको लगभग 10 से 15 हजार रुपए की आमदनी हो सकती है। इस हिसाब से अगर आप एक साल में काली मिर्च के 300 पौधे भी लगाते हैं तो आपको लगभग 40 से 45 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। अगर बाजार में काली मिर्च के भाव की बात करें तो यह कम से कम 400 से लेकर 500 रुपए प्रति किलो के बीच है। किसान मित्रों, काली मिर्च की खेती में घाटे की संभावना ना के बराबर है। आपके पास इसे विदेशों में भी निर्यात करने का विकल्प है। वैसे तो काली मिर्च के प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं, लेकिन महाराष्ट्र, कुर्ग, मलाबार, कोचीन, त्रावणकोर और असम के पहाड़ी इलाकों में भी काली मिर्च की खेती की जा रही है। आजकल छत्तीसगढ़ में भी काली मिर्च की बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। काली मिर्च की खेती के लिए अधिक ठंडी जगह उपयुक्त नहीं होती है। इसके लिए 12 डिग्री से ऊपर का तापमान अच्छा माना जाता है। इससे नीचे के तापमान में काली मिर्च की खेती संभव नहीं है। काली मिर्च की खेती के लिए सालाना 200 मिलीमीटर बारिश भी बहुत जरूरी है। किसान मित्रों, वैसे तो काली मिर्च किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए लाल मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर आप काली मिर्च की खेती करने जा रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि इसका रोपण सितंबर महीने में हर हाल में जरूर पूरा कर लिया जाए। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा, जो कि केंद्रित था काली मिर्च की खेती पर। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा, मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।